ये हमारे पास में 3 घोड़े हैं स्टैलियन जो अभी आज की तारीख में, तो उसके अभी तक 500 रेस से जीत चुका है उसके बच्चे, और वो जो रेस में उन्होंने कमा लिए 20 करोड़ रुपए के करीब। रेस के घोड़े, लाखों करोड़ों की कमाई, रेस के घोड़ों पर बैटिंग। आज हम आए हैं जय गोविंद स्टड फार्म पे, यहाँ पे बात करेंगे दिग्विजय जी से, उनसे जानेंगे कि रेस के घोड़े कैसे तैयार होते हैं, आखिर उनसे कैसे पैसा कमाया जा सकता है, या जो रेस कोर्स में बैटिंग होती है वो असल में क्या चीज़ होती है। चलिए बात करते हैं उनसे, आइए हमारे साथ। तो सर, जो सामने से लोग देख रहे हैं, आप उन्हें एक बार अपना इंट्रो बता दीजिए, छोटा सा अपने बारे में बताइए सर। तो अपन लोग जय गोविंद स्टड एंड एग्रीकल्चर फार्म के ऊपर खड़े हुए हैं। ये हमारे फादर, लेट फादर कर्नल गोविंद सिंह जी ने 1979 में स्टार्ट किया था। जब वो आर्मी से रिटायर हुए तो उनको घोड़ों का बहुत शौक था, तो उन्होंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया। मैं भी उस टाइम स्कूल में था, तो उनसे मैंने काफ़ी सीखा। जब शुरू में ही मैं पोलो खेलता था, राइडिंग करता था 61 कैवलरी में, उसके साथ में मैंने कॉलेज ख़त्म करके फिर मैंने इनके साथ में ज्वाइन करा। अभी नाउ 78 से हम लोग ये स्टड फार्म चालू कर रखा है। अब सर ये बताइए कि जैसे आप बता रहे हैं कि आपके फादर ने स्टार्ट किया था ये, जय गोविंद जी ने, तो ये उन्होंने शौकिया तौर पे किया था या सिर्फ बिज़नेस डालने के लिए किया था, और अगर बिज़नेस डालने के लिए या शौकिया तौर पे किया था तो क्या सिर्फ रेस के घोड़ों के लिए या वैसे ही पालना शुरू किया था? नहीं, रेस के घोड़े के लिए किया था, एंड ऑब्वियसली इट वॉज पैशन था उनको। उसके साथ में बिजनेस तो सभी सस्टेन, पैशन को सस्टेन करने के लिए यू हैव टू हैव अ बिजनेस मॉडल ऑल्सो, सो वी स्टार्टेड दिस स्टड फार्म। सर एक बार आप ये घोड़े भी दिखा दीजिए और ये बताइए कि असल में जो रेस के घोड़े होते हैं, वैरायटी बहुत सारी होती है, मारवाड़ी या दूसरी भी, और उनमें ब्लड लाइंस भी होती है, असल में ये कौन सी वैरायटी के घोड़े होते हैं जो रेस के लिए तैयार किए जाते हैं? ये क्या है, ये थोरब्रेड है, ये हमारे पास में, ये मेरे पास में ओनली थोरब्रेड घोड़े मैं ब्रीड करता हूँ, जो रेसेस में ओनली थोरब्रेड ही घोड़े काम आते हैं। सर थोरब्रेड होते हैं मतलब कि असल में इसका ओरिजिन कैसे हुआ है या कहाँ से है, उसके बारे में थोड़ा सा डिफाइन कीजिए। जो थोरब्रेड है उसमें क्या है, स्टेमिना और स्पीड दोनों का कॉम्बिनेशन है, वरना जो बाकी ब्रीड में या तो उनमें बहुत ज़्यादा स्टेमिना होता है या स्पीड नहीं होती, स्पीड होती है बट वो स्टेमिना नहीं होता। सो ये जो थोरब्रेड है ये कॉम्बिनेशन एकदम सही है, इसलिए रेस में माइल के लिए हो या 1.5 माइल हो या 1 किलोमीटर हो, तो इनमें जो स्पीड और वो और घोड़ों में नहीं हो सकते। अब सर ये बताइए, जैसे कि मेन फार्म को सस्टेन तो करना होता है, अब वो बात बाद में करेंगे, पहले बात करते हैं इनका यहाँ पे तैयार करने की और वो सारी चीज़ें, रेस कोर्स या वहाँ पे क्या होता है क्या नहीं होता, उससे पहले ये बताइए यहाँ पे आप ब्रीडिंग कैसे तैयार करते हैं? असल में ब्रीड पे सुधार होता रहना चाहिए, वो कैसे तैयार करते हैं? हम लोग क्या करते हैं कि हमारे पास में जैसे 3 स्टैलियन हैं, जो मेन जो सांड जो कहलाते हैं, जो मेल जो है वो 3 है, सो हम लोग इम्पोर्ट करते हैं उनको, कोई इंग्लैंड से, कोई अमेरिका से है और आयरलैंड से, तीनों स्टैलियन अलग अलग हैं, ऐसी घोड़ियाँ हमारी इम्पोर्ट करी हुई हैं, उनको हम लोग कोशिश करते हैं अगर अच्छा एक से नहीं बैठता तो इज़ अ कॉम्बिनेशन होता रहता है, तो एक से नहीं होता, अच्छा बच्चा नहीं निकलता तो दूसरे स्टैलियन को देते हैं, तीसरे को देते हैं, फिर वरना हर 5-7 साल में नया स्टैलियन इम्पोर्ट करते हैं कि हमारा ब्रीड इम्प्रूव करने के लिए। ऐसे ही घोड़ियों को भी जो पैरेंटल स्टॉक होता है उसको भी हमको इम्पोर्ट करना पड़ता है, तो चेंज करना पड़ता है उसको भी। सर आप हमें ये बताइए कि जैसे ये घोड़े जो हैं ये रेस कोर्स के अंदर जाते हैं, असल में रेस कोर्स में कैसे कमाई होती है, या क्या आपके जॉकी दौड़ते हैं या आप ही घोड़े दौड़ाते हैं, वो बताइए सर। क्या होता है कि हम लोग घोड़े बेचते हैं, हमारे पास ट्रेनर्स आते हैं या ओनर्स जो होते हैं, जो रेस के घोड़े रखते हैं, वो बॉम्बे हैदराबाद सब जगह से आते हैं, वो आके यहाँ से ख़रीदते हैं, और फिर वो कोई हैदराबाद में रेस कर रहा है, कोई बॉम्बे में, तो वो अपने अपने जगह पर लेके जाते हैं, फिर वहाँ पर ट्रेनर्स जो ट्रेनर्स को देते हैं, ट्रेनर्स के पास में अपने जॉकीज होते हैं, या जो बड़े ओनर्स होते हैं जैसे शाहपुर जी पालम जी हुआ या पूनावाला हुआ, उनके खुद के जॉकीज होते हैं, या वो बाहर से मंगाते हैं जॉकीज, सो उनके या बड़े ट्रेनर्स जो होते हैं उनके पास में अपने खुद के जॉकीज हैं, वरना जॉकीज को कमीशन मिलता है, तो हर माउंट का अलग होता है, फीस होती है, जितने आप घोड़े बैठोगे उतना, तो उस हिसाब से ये चलता है। अब सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे अगर कोई घोड़ा वहाँ पे रेस कोर्स में जीत गया, तो असल में आपको कैसे उससे बेनिफिट होगा, वो हमें बताइए सर।
क्या होता है कि हम लोग हमारा बेच देते हैं, उसके बाद में अगर उसका भाई बहन हमारे पास वापस भेजते हैं, एक तो हमारा नाम होता है, अगर जीतते हैं घोड़े अच्छी रेस जीतते हैं तो हमारा नाम होएगा, और उसके जो वापस हम लोग जो उसके भाई बहन जो बेचते हैं, जो प्रोजनी हमारे पास में जो खानदान रह गया, उसके हमारे को अगली बार हम उसी के डबल पैसे होते हैं, ट्रिपल पैसे हो जाते हैं, जितने भी होते हैं एक्स अमाउंट में बेचते हैं, तो वो अगर दो चार बड़ी रेस जीत जाता है तो बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मतलब हो जाता है। सर, अगर बात करें कि जैसे जैगोविन जो स्टड फार्म है, इस पे से जो रेस जीते हैं घोड़े वो कितने हैं, या कोई ऐसा है कि बहुत अच्छी रेस जीता है, उसने आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट दिया है, उन घोड़े के बारे में बताइए सर। सी, हमारे पास में तीन घोड़े हैं स्टैलियन जो अभी आज की तारीख में, एक है हिम, तो उसके अभी तक 500 रेस से जीत चुका है उसके बच्चे, और वो जो रेस में उन्होंने कमा लिए 20 करोड़ रुपए के करीब। अब सर, अगर कोई मैं बड़े टाइटल की बात करूं जैसे रेस कॉस के अंदर, तो कोई ऐसा बड़ा टाइटल बताना चाहेंगे आप जो आपके घोड़ों ने जीता? जी, यहाँ पे रेस कॉस में सबसे बड़ी जो रेस होती है वो इन्विटेशन कप कहलाती है। उसमें क्या होता है, बाय इनवाइट करते हैं जो सारे रेस कॉस के जो घोड़े होते हैं उनको, जो 5-6 रेस कॉस से हर सेंटर से 2-2 घोड़े इन्वाइट करते हैं। वो घोड़ी हमारी यहाँ से ब्रेड घोड़ी ओन ब्यूटी करके था उसका नाम, उसने वो रेस जीती थी। एंड फिर डाबी, इंडियन डाबी कहलाते हैं या क्लासिक्स होते हैं, उनमें हमारे घोड़े कभी जीते हैं, कभी 1-2 बार 1-2 में काफ़ी बार भागे हैं। आर्टिक लाइट होती थी घोड़ी, वो 2 बार सेकंड भागी। स्टेयर्स कप जीता है हम लोगों ने, इसी साल स्टेयर्स कप जीता हमारे घोड़े का जीता हुआ। सर, आपके यहाँ पे जो अच्छे घोड़े हैं एक बार हमें आप चल के वो भी दिखा दीजिए सर। जरूर, मेरी डॉटर है देविका शेखावत, वो दिखाएगी आपको। चलिए देविका जी से एक बार बात कर लेते हैं, ये हमारे साथ। मैम, आप भी जो सामने से लोग बाग देख रहे हैं उन्हें अपने बारे में एक छोटा सा परिचय दे दीजिए। जी, मेरा नाम देविका है और मैं 3rd जनरेशन स्टड फार्म में मैनेज कर रही हूँ, और मैंने अपने पढ़ाई कंप्लीट करते ही काफ़ी स्टड फार्मिंग में रुचि रखी है, और काफ़ी जुनून और जज्बा है घोड़ों के लिए और जानवरों के लिए। मैम, आप मतलब कि जो यहाँ पे मैनेज कर रही हैं, आप सिर्फ मैनेज कर रही हैं या दिग्विजय जी के आप मतलब कि क्या लगते हैं वो हमें बताइए। अच्छा, वो मेरे फादर हैं तो मैं उनकी यंगर डॉटर हूँ। तो मैम, अब जो ये पीछे यहाँ पे घोड़े हैं, आप इनके बारे में मुझे बताइए कि ये असल में क्या इन्होंने अवार्ड जीता है, या क्या कोई अच्छा आपके पास घोड़ा है कि बहुत अच्छा अवार्ड जीता है, या ऐसी चीज़ें हैं उनके बारे में बताने के लिए बताइए। जी, तो ये दो जो पर्टिकुलर घोड़े हैं उनके बारे में, एक जो है वो हमारा एक घोड़ा था राजस्थान रॉयल्स, उसकी सिस्टर है ये हिम जो स्टैलियन है उनसे, और दूसरे जो है वो ग्रे कलर जो है वो है प्योजिंग की फुल सिस्टर, और उन्होंने हाल ही में काफ़ी रेसें जीते हैं, और ऐसे पूनावाला मिलियन भी जीता था पिछले साल, और अभी रिसेंटली 2-3 कप भी जीते हैं जहाँ पे मैं भी गई थी उस रेस में। और मैम, इससे अलग भी क्या आपके पास दूसरे ऐसे घोड़े हैं जिन्होंने अच्छे अवार्ड जीते हैं, जो स्टैलियंस आप बता रहे थे वो भी मैम एक बार दिखा दीजिए। अब मैम, ये जो पीछे वाला घोड़ा है इसके बारे में भी बताइए मैम। जी, ये सेजफील्ड है, और ये हमारा काफ़ी स्टार घोड़ा है, स्टार स्टैलियन है स्टड फार्म का, और हम लोग ने इसको कुछ ही साल पहले US से इम्पोर्ट किया था, और ये काफ़ी रेसें जीत चुका है हमारे लिए, ऑलमोस्ट 300 रेसेस में उसके इनके जो घोड़े हैं इनके बच्चे हैं वो रेस करें, और ओवर 16 करोड़ का इन्होंने रेवेन्यू भी हमारे लिए या कमाया है। मैम, जैसे कि इन घोड़ों को स्टैलियंस बोलते हैं, असल में क्या स्टैलियन सिर्फ एक ब्रीड है या हर घोड़े को स्टैलियन बोल सकते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जी नहीं, हर घोड़े को नहीं बोलते हैं, ये मेल हॉर्सेस होते हैं, और हर मेल हॉर्सेस को भी नहीं बोला जाता है स्टैलियन, उनको एक एक काइंड ऑफ उनकी पेडिग्री होती है, उनको एक्स नंबर ऑफ रेसेस जीतने पड़ते हैं, बड़े रेसेस जीतने पड़ते हैं, और उनकी वैल्यू भी उसी हिसाब से बढ़ती रहती है जैसे वो जीतते हैं, और तभी वो स्टैलियन कहलाते हैं। तो हर लोग, हर स्टड फार्म में 2-3 या 4 स्टैलियन होते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। और मैम, अगर जैसे कि ये वाला भी स्टैलियन है ना मैम? जी, ये स्टैलियन है, सेजफील्ड नाम है। तो मैम, अगर कीमत की जैसे आप बता रहे हैं कि कीमत बहुत ज़्यादा होती है ऐसे होते, तो इसकी अंदाजन कीमत कितनी होगी मैम? हाँ, इसकी करोड़ में है इसकी कीमत, बिकॉज जैसे दूसरे घोड़ों की तो लैक्स में होती है, यू नो, विद इन 10 लाख में आ जाते हैं, बट स्टैलियंस काफ़ी ज़्यादा इसकी कीमत है, इसकी भी वैसे ही US से लेके आए थे, तो उसी डॉलर्स में होती है कीमत काफ़ी। मैम, हमें ये भी बताइए कि जैसे जो रेस के घोड़े होते हैं,
क्या उन्हें ऐसा कुछ स्पेशल खाना दिया जाता है नॉर्मल घोड़ों से, जैसे घास फूस से अलग भी कुछ? जी बिल्कुल, हम लोग रिचका देते हैं जैसे सभी घोड़े को देते हैं, रिचका है, ओट्स है, बार्ली है, लेकिन अलग से हम लोग काफ़ी कुछ सप्लीमेंट्स भी देते हैं रेस घोड़े को, जैसे ये मतलब जो अलग अलग पैकेट हैं इसमें कैल्शियम सप्लीमेंट्स हैं, फॉस्फोरस के सप्लीमेंट्स हैं, क्योंकि काफ़ी घोड़े जो बाहर से भी आते हैं उनको क्लाइमेट में एडजस्ट करने का यू नो टाइम लगता है, तो उनके लिए अलग अलग सप्लीमेंट भी दे जाते हैं। अच्छा मैम, और सप्लीमेंट जैसे आप रिज का और ये बोल रहे हैं, क्या इससे अलग ये तो सप्लीमेंट्स हो गए, और दूसरी चीज़ें भी ऐसी कुछ दी जाती हैं या और खाने पे ध्यान रखा जाता है, क्योंकि पेट ख़राब की ज़्यादा दिक्कत होती है इन्हें, तो क्या उस पर भी ज़्यादा ध्यान रखा जाता है? जी हम लोग जैसे मक्का होता है, कॉर्न देते हैं, ओट्स देते हैं, बार्ली काफ़ी अनकॉमन होते हैं मतलब नॉर्मल घोड़े को देने के लिए, तो वो भी हम लोग खुद भी ग्रो करते हैं ताकि ऑर्गेनिक हो और कोई पेस्टिसाइड्स नहीं हो उनमें। अब सर मैं अब इससे ये घोड़ों की बात तो सारी होगी, अब मैं जानना चाहता हूँ इसमें इंडिया में एक ही चीज़ है ऐसी जहाँ पे बैटिंग लीगल है, वो है घोड़ों के पे। अब इनमें असल में बैटिंग कैसे होती है या क्या चीज़ है, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बता दीजिए सर। सी हॉर्स रेसिंग इज़ अ स्पोर्ट, दैट इज़ अ बिकॉज सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के हिसाब से वो डिफाइन किया है कि इज़ अ स्पोर्ट ऑफ स्किल, तो ऐसे नहीं है कि सो इज़ नॉट ओनली गैम्बलिंग बट देन इज ए लीगल ऑल ओवर द वर्ल्ड, रेसिंग हॉर्स रेसिंग इज़ लीगल ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो उसमें क्या है कि जो घोड़े मॉर्निंग में लोग बाग ट्रैक वर्क जो सुबह काम देखते हैं, उनका वेट होता है, कई चीज़ें देखनी पड़ती है फैक्ट में, रेस में कैसा दौड़ा था, लास्ट रन कैसा था, उसके हिसाब से वो बैटिंग जो बुकीज हो या जो भी लगाते हैं वो अपने भाव उसी हिसाब से आते हैं कि घोड़े की पेडिग्री अच्छी हो, सबसे ज़्यादा तो वो लोग पेडिग्री देखते हैं, फिर उसमें कैसा दौड़ा था पिछली बार मॉर्निंग ट्रैक वर्क में कैसा दौड़ रहा है वो, मतलब जो प्रैक्टिस करते हैं उसमें अगर अच्छा दौड़ रहा है, वो टाइमिंग होता है उनका, उस टाइमिंग के हिसाब से ही बैटिंग का रेशियो बनता है। अब सर क्या घोड़ों पे कोई भी आदमी जाके बैटिंग कर सकता है या इसके लिए कुछ ऐसे होता है कि नहीं यही आदमी करेगा या इतना पैसा लगाना है या कुछ ऐसा होता है क्या? नहीं, ये पब्लिक के लिए है, पब्लिक आप 10 रुपये से भी, 5 रुपये या 10 रुपये से भी आप जाके अपना बैटिंग कर सकते हैं, बट मेंबर्स के लिए अलग इंक्लोजर होता है, वो बात अलग है हर रेस कोर्स में, अदरवाइज जनरल पब्लिक के लिए कोई भी जाओ कोई भी आप वहाँ बैटिंग कर सकते हैं। अब सर जो सामने से लोग बाग देख रहे हैं, मान लीजिए उन्हें किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए, क्योंकि लोगों को रेसिंग के घोड़े जो होते हैं इनके बारे में बहुत लिमिटेड नॉलेज है या लोग बाग रीच नहीं कर पा रहे हैं आप जैसे लोगों तक, तो वो कैसे कांटेक्ट कर सकता है, कैसे जानकारी ले सकता है, किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए उसे, तो उसके लिए हमारे ईमेल कर सकते हैं मेरे को, मैं आपको ईमेल शेयर कर लेंगे, और ऐसी वेबसाइट है हमारी तो उसके ऊपर जाके आप देख सकते हैं, और पर्सनल उसके बाद में अगर आप ईमेल पे हमारे को ज़्यादा आपको चाहिए तो देन आई विल गिव यू पर्सनल नंबर दे देंगे, वो आप मेरे से बात कर सकते हैं। जो सर का ईमेल होगा और वेबसाइट का लिंक वो हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। अब सर सामने से जो लोग बाग देख रहे हैं उन्हें आप क्या ऐसा सजेशन देना चाहेंगे इसके बारे में, जो घोड़ा पालन कर रहे हैं या स्टड फार्म ऑपरेट कर रहे हैं, कि वो इसमें ये ध्यान रखें या ये ना करें, अगर आना चाहते हैं या इसे निकलना चाहते हैं कैसे क्या करें, वो सजेशन बताइए। सी इसमें आने के लिए बिजनेस बहुत अच्छा है बट इसमें पैशन होना बहुत ज़रूरी है और डेडिकेशन, पैशन के साथ में डेडिकेशन, बिकॉज क्या जानवर बहुत ही डेलिकेट होता है, सो इसके लिए आपको पैशन डेडिकेशन नहीं हो तो इसमें कोई नहीं आना चाहिए। अगर आप सुबह शाम टाइम देख सकते हो बिकॉज ये 24 घंटे का काम है, आप कभी भी बीमार हो सकता है, कभी क्या हो सकता है, कभी किसके लग सकती है, तो आपको छुट्टी नहीं कर सकते इसमें, कभी काम नहीं होता तो कुछ भी नहीं होता, रूटीन चल रहा है बट कभी हो जाता है, कॉलिक हो जाता है, तो इसके लिए आपको 24 घंटे का काम है, अगर डेडिकेशन हो तो ही आना चाहिए, खाली बिजनेस में आने के लिए ये राइट बिजनेस नहीं है। मतलब कि अगर बिजनेस में आना तो पैशन के साथ ही आना पड़ेगा। बिल्कुल, वरना ये बिजनेस, खाली बिजनेस मॉडल ये स्टड फार्मिंग नहीं हो सकती।
तो भाइयों ये थी हमारी दिग्विजय जी से बात। इन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि असल में जो रेस के घोड़े होते हैं या बैटिंग होती है इस पे या कैसे तैयार किया जाता है रेस के घोड़े, सारी चीज़ की जानकारी दी है। आपको और कोई भी जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको ईमेल मिलेगा या वेबसाइट का लिंक मिलेगा, आप वहाँ पर देख सकते हैं। ये वाली वीडियो हम यहाँ पर ही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान।